यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर, पानीपत और खेदर थर्मल प्लांट के कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। थर्मल प्लांट के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों ने ज्ञापन भेजे हैं। कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम में शामिल किए जाने की ये मांग कर्मचारी कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो यमुनानगर में कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों ने ज्ञापन भेजे हैं। तो कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम में जोड़ने को लेकर ये मांग कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खेदर थर्मल प्लांट के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन यमुनानगर और पानीपत में देखने को मिल रहा है। थर्मल प्लांट के हजारों कर्मचारी जो हैं, वो अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और इनकी मांग ये है कि कौशल विकास निगम में शामिल किए जाएं कर्मचारी। इसकी मांग को लेकर ये जो कर्मचारी हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हरियाणा कौशल विकास निगम के जो कर्मचारी हैं उन्हें हरियाणा कौशल विकास निगम में शामिल किया जाए और अपनी मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुनील कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, विरोध प्रदर्शन लगातार कर्मचारियों को देखने को मिल रहा है, अभी की क्या ताजा स्थिति? जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि इन्हें एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, करीब 36 दिन हो चुके हैं। थर्मल प्लांट के कर्मचारी जो है, जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इनकी एक ही मांग है कि इन्हें कौशल रोजगार निगम में जो है शामिल किया जाए। इन्होंने कई बार जो है अधिकारियों को अपने ज्ञापन भी सौंपा है और आज इन्होंने जो है कन्हैया साहिब चौक से जिला सचिवालय तक पैदल रोष मार्च निकाला और अपनी मांग जो है दोबारा से जो है सरकार के सामने रखी है और दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इन्हें मजबूरन जो है बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, जिससे जो है लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनका सीधा कहना है कि ये जो है जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इनकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार माने, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से 36 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी सुध जो है अभी तक किसी ने भी नहीं ली है और ये चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो जारी किया था उसमें जो है इन्हें शामिल किया जाए, ताकि ये जो है अच्छे से काम कर सके।